नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता बगलामुखी का भय निवारण मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रभाव तेजी से क्यों होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंत्र का उपयोग क्यों करते हैं। 10 महाविद्या में से बगलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती है। ये माता शत्रु संहारक मानी जाती हैं। माता बगलामुखी के अनेकों मंत्र हैं। ये मंत्र उनके लिए है, जैसे कि जिनके मन में कोई अनजाना डर हो, कोई हादसा हो जाने का भय हो, आपके मन में किसी का डर हावी हो रहा हो, तंत्र बाधा का भय हो, शत्रु का भय हो, बीमार होने का भय हो, असुरक्षा की भावना बढ़ रही हो, हत्या का भय हो, बार बार आत्महत्या करने के विचार आते हों, व्यापार में नुकसान का भय हो, अकेले जाने पर डर लगता हो, किसी के गुप्त रूप से पीछा करने का संशय हो, कोई आपके आसपास महसूस होता हो, ऐसी अवस्था में माता बगलामुखी का भय निवारण मंत्र बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अब जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी पीले आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर पीला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। अब अपने मणिपुर चक्र में, यानी हार्ट के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए बगला मंत्र ओम हलरीम 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 पीताम्बरे सर्व भयम उच्चाटय स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम हलरीम 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 पीताम्बरे सर्व भयम उच्चाटय स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का जप करें तथा इस मंत्र का जाप 20 मिनट तक उपांशु जप में करना है। उपांशु जप का अर्थ होता है धीमी आवाज में करें, लेकिन मानसिक रूप से मंत्र का जप न करें। थोड़ी आवाज में, धीमी आवाज में इस मंत्र का जप करें। यह मंत्र को 20 मिनट रोज करें और 27 दिन तक इस मंत्र को ले जाना है। 28वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कुंवारी कन्या को भोजन कपड़े का दान करने से लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है। याद रखें, पैसे का दान न करें। अगर पैसे दान करना चाहते हैं तो किसी मंदिर के दान पेटी में पैसे दान करें। याद रखें, ये 27 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, पुष्य नक्षत्र, विजयादशमी, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। इस मंत्र में पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ या सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपना होता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के व्यवसाय में या होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करने से लाभ ज़्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएँ 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है।
अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है, अगर आप इस शिविर में भाग लेकर साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।